अगर दोस्तों आप लोग भी 2023 के अंदर एक बेस्ट DSLR कैमरा खरीदना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे टॉप 5 ऐसे बेस्ट फोटोग्राफी DSLR कैमरा के बारे में जो कि आप लोगों को अच्छी खासी प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर का कैमरा आता है कैनन EOS 200D जो कि आप लोगों को कैनन कंपनी का देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आप लोगों को जो मॉडल नेम देखने को मिलेगा वह EOS DSLR देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक जो देखने को मिलेगा वह आई ऑटो फोकस देखने को मिलता है जो कि इस स्मार्ट कैमरे को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाएगा 3x का, और ये दोस्तों आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप लोगों को 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग कोई भी फोटो क्लिक करोगे या वीडियो बनाओगे तो वो आप लोग आसानी से इसके ऊपर देख सकते हैं। बाकी ऑल ओवर बात करें तो एक बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा होने वाला है आपके लिए। अगर आप लोगों का बजट 50,000 रुपए के आसपास है तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। दोस्तों ये आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 57,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ अगर आप लोग 50mm का लेंस लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को 65,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर का फोटोग्राफी कैमरा आता है निकोन D7500। दोस्तों ये एक निकोन कंपनी का ब्रांड वाला स्मार्ट कैमरा होने वाला है जो कि आप लोगों को जिसका मॉडल नेम होगा वह D7500 होने वाला है, जो कि आप लोगों को फोटोग्राफी के अंदर काफी अच्छा लगने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा फोटोग्राफी का वह 20.9 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाएगा जो कि करीबन 5x तक का होगा। बाकी इसके अंदर आप लोगों को ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, और इसको आप लोग किसी भी डिवाइस से ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 3.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, और अगर दोस्तों आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 60,000 रुपए के आसपास। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का कैमरा आता है कैनन EOS 1500D। दोस्तों ये कैनन कंपनी का एक बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा होने वाला है जो कि आप लोगों को इसका मॉडल नेम जानना है तो इसका मॉडल नेम है दोस्तों EOS 1500D जो कि आप लोगों को 24.10 मेगापिक्सल के रेजोलेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्डिंग ऐसे सारे काम कर सकते हैं इस कैमरे के अंदर, और बाकी इसके अंदर आप लोग जो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर आप लोग को ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाएगा जो कि 3x का होने वाला है, और ये दोस्तों आप लोग को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, और इसी के साथ आप लोग को इसके अंदर भी 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग कोई भी फोटो खींचो या वीडियो बनाओ उसको आप लोग आसानी से इसके अंदर रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो एक बेस्ट बजट स्मार्ट कैमरा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस होगी अमेजोन के ऊपर वह मात्र 36,000 रुपए होगी, जो कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा होने वाला है बिल्कुल DSLR कैटेगरी के अंदर। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का कैमरा आता है पैनासोनिक लूमिक्स DMG। दोस्तों ये एक ब्रांडेड कैमरा होने वाला है फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छी खासी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो इसका जो मॉडल नेम होगा वह पैनासोनिक लूमिक्स होगा जो कि FZ300 होने वाला है, और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर जो रेजोलेंस देखने को मिलेगा वह 12.1 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा होने वाला है। बाकी इसकी स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी होने वाली है, और इसके अंदर आप लोग जो ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा वह पूरा 24x का होने वाला है। अगर आप लोग एक ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा लेंस लेना चाहते हैं फोटोग्राफी के लिए तो यह सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक फोटोग्राफी के लिए ऑप्टिकल जूम काफी ज्यादा अहम चीज होती है जो कि आप लोगों को इस कैमरे के अंदर देखने को मिल जाती है। इसको आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर भी दोस्तों आप लोगों को पूरे 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को लीजा DC लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों की फोटोग्राफी को और भी ज्यादा अच्छी बना देता है। इसकी ऑल ओवर प्राइस की बात करें तो यह एक बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा होने वाला है, और यह आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 67,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का कैमरा आता है पैनासोनिक लूमिक्स G85 जो कि एक पैनासोनिक कंपनी का कैमरा होने वाला है, और इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छी फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग 16 मेगापिक्सल के रेजोलेंस के साथ एक अच्छा सा कैमरा बाय करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को स्पेशल जो फंक्शन देखने को मिलेगा वह स्टेबलाइजेशन के देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों की फोटोग्राफी के अंदर काफी अच्छा होने वाला है, और इसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाएगा 5x का, यह आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा, और यह दोस्तों वायरलेस कनेक्टिंग के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप लोग इसको किसी भी डिवाइस के साथ वायरलेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को या तो ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा या वाईफाई देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर भी आप लोगों को 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और ऑल ओवर बात करें तो एक बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा हो सकता है आपके लिए। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को 81,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर। बाकी दोस्तों इन सभी की जो लिंक है हमारे डिस्कशन बॉक्स में भी दी हुई है, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी कैमरे को बाय करना है फोटोग्राफी के लिए तो आप लोग डिस्कशन में लिंक दी हुई है वहां से डायरेक्ट जाकर भी आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मतलब कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स भर देना आप लोग की जो भी प्रॉब्लम हो तो।